हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कुक विद त्रिभा में। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले आलू की सूखी सब्जी। इसे हम बहुत ही क्रिस्पी बनाएंगे, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। करेले आलू की सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम उसमें ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल को भी गर्म होने देंगे। तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे 1 चम्मच, और इसको क्रैक होने देंगे। तो जीरा यहाँ पे देखिए क्रैक हो गया है। इसमें सूखी मिर्च ऐड कर देंगे, इसको भी फ्राई होने देंगे। तो मिर्च हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें करेला आलू एक साथ ही ऐड कर देंगे, और इसको हम 5 मिनट तक फ्राई करते हुए पका लेंगे। तो फ्राई करेंगे करेले और आलू को। तो फ्राई कर लें इसको अच्छे से चलाते हुए। आप मीडियम फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लें। तो 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं करेले और आलू का मॉइस्चर थोड़ा सा निकल गया है। चला लेंगे इसको, और ऐसे ही चलाते हुए हम 15 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसको। तो 15 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट हो गया है, और हमारा करेला और आलू अच्छे से पक गया है। इसमें जितना भी मॉइस्चर था सभी निकल गया है अच्छे से। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लें। तो नमक ऐड हो गया है यहाँ पे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करेंगे इसको, और मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा करेला आलू का सब्जी बनके रेडी है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो गैस को बंद कर देंगे और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जी बन के रेडी है, और ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।